समाहरणालय परिसर स्थित अपर समाहर्ता के कार्यालय में गुरुवार को गांडे अंचल के बराकर नदी के समीप बदगुंदा, कुंडलवादा एवं मटकुरिया में भंडारित बालू की आम नीलामी कराई गई। यहां कुल 5 आवेदकों ने इस नीलामी में हिस्सा लिया। अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा के नेतृत्व में आयोजित इस नीलामी में आवेदक विभूति भूषण, दारा प्रसाद सिंह, सफरुद्दीन अंसारी, मोहम्मद अमजद अंसारी एवं नसीम अंसारी ने बोली लगाई। इस दौरान सबसे अधिक बोली नसीम अंसारी ने 9,26,000 रुपए की लगाकर बालू उठाव का टेंडर अपने नाम कर लिया। मौके पर डीएमओ सतीश नायक, प्रधान लिपिक राजेश कुमार, सिद्धांत कुमार आदि उपस्थित रहे। लगे गांडे अंचल मोहम्मद नसीम अंसारी हाईएस्ट बिडर थे, उनके नाम से नीलामी आज कन्फर्म हो गया। कितने लोग बैठे थे सर? 5 लोग। 5 लोग इस निविदा में भाग लिए थे, 9,26,600 पर बिड फाइनल हुआ और ये श्री नसीम अंसारी, मोहम्मद नसीम अंसारी के नाम से ये फाइनल। गिरिडीह जिले के गांडे अंचल में जब बालू जो कि जब्त किया गया था बरकुंडा कुंडलवादा मटकुरिया में लगभग 2,39,000 सेक्टर उन लोगों के द्वारा जब्त किया गया था, उसकी आज नीलामी संपन्न की गई है। इसमें मोहम्मद नसीम अंसारी के द्वारा 2,09,30,600 रुपये राशि बोल के उच्चतम डाकभुगतान उन्हें घोषित किया गया है। जिन्हें भी सरकारी प्रयोजन होते हो बालू की आवश्यकता होगी वो स्थल पर जाके वहाँ से सरकारी कार्यों में बालू की प्राप्ति कर सकते हैं।